गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का बहुत ही टेस्टी सा अचार जो कि झटपट बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने ली है काली सरसों और साथ में ली है पीली सरसों, ये दो बड़े बड़े चम्मच हैं। और यहाँ पर एक चम्मच अजवाइन है, आधी चम्मच मेथी दाना, आधी चम्मच कलौंजी और एक बड़ी चम्मच यहाँ पर सौंफ है। जो मेथी दाना है वो बहुत कम क्वांटिटी मिलेंगी, वरना अचार कड़वा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पैन गरम करके रख दिया है। ये जितने भी मसाले हैं इन्हें हमको अच्छे से रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, स्लो फ्लेम पे हमें इसे हल्का सा भूनना है। तो जितने भी मसाले हैं हमको एक साथ इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। बस इसका जो मॉइस्चर है मसालों का, ताकि अचार आपका ख़राब ना हो, इसलिए हमें इसको रोस्ट करना होता है। रोस्ट करने से थोड़ा मसाले का फ्लेवर बढ़ जाता है। तो उसको हम स्लो फ्लेम पर ही अच्छे से इसको रोस्ट करना है, फ्राई कर लेंगे। उसके बाद ये है, मैं बना रही हूँ यहाँ पर गाजर, 2 किलो गाजर का मसाला है। इसको हम अभी एक दूसरी प्लेट में रख लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी में अच्छे से दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ली है 2 किलो गाजर, जिसको मैंने ओवरनाइट पंखे की हवा में सूखने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर है मसाले जो 4 में डालेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सफ़ेद नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 आधी चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला। ये है विनेगर, जिसको सफ़ेद सिरका कहते हैं, चाउमीन में डलता है। और यह है सरसों का तेल, और अचार जो भी होता है ना सरसों के तेल में ही अच्छा बनता है। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने डाल दिया सरसों का तेल। सरसों का तेल हम थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि सिरके वाला अचार बनना है तो इसमें तेल की मात्रा थोड़ा कम ही डलती है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी हल्दी और मिर्च मैंने तेल में डाली है। तेल बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही हल्के से गर्म हुआ है, ज़्यादा तेज गर्म कर देंगे तो जो हल्दी और मिर्ची जल जाएगी और अचार बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ पर ली है 2 किलो गाजर। और मसाले जो हैं, जो आप जिस चीज़ का अचार डालते हैं उसके हिसाब से क्वांटिटी उसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाजर डल चुकी है और इसको हम अच्छे से भून लेंगे और सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर लेंगे। क्योंकि आप जब भी अचार बनाएं इस तरीके का, तो बड़ा बर्तन है ताकि घुमाने में आसानी हो। अब इसमें बाकी के मसाले भी डाल दिए हैं और इसमें थोड़ा सा सौंफ और थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा मेथी दाना हमको साबुत डालना है। और बाकी जो मैंने मसाला पीस लिया था, भुना था, उसे पीस लिया है। इस तरीके से हमको दरदरा पीसना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है, ताकि दरदरा बना रहेगा तो अचार में उसका टेस्ट बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम आपको मीडियम से लो करना है, लो टू मीडियम रखना है, ताकि ये ज़्यादा गले भी ना और हल्का सा इसमें कुकिंग हो जाए इसकी, ताकि तेल जो है कच्चापन निकल जाए और थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए सारे मसाले। तो अब हम इसमें डालेंगे, इस कटोरी से हमने इसमें 3 कटोरी विनेगर डाला है। मैंने विनेगर की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखना, क्योंकि गाजर मीठी होती है और फिर ये अगर विनेगर खट्टा कम रहेगा तो गाजर का जो अचार है वो बहुत ज़्यादा मीठा लगेगा। तो अगर खट्टा, मीठा और नमक और मिर्च चारों चीज़ बराबर होंगी तो गाजर का अचार बहुत टेस्टी बनता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये 5 से 10 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पर पका लिया था। अब हमने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, अचार को पहले ठंडा होने देंगे। बर्तन साफ़ सा एक बर्तन ले लें, उसके बाद अगर जब आपका अचार ठंडा हो जाए उसके बाद इस अचार को आप किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस ये अचार 1 ईयर तक, इस अचार को कुछ भी नहीं होता है, आप इसको आराम से 1 साल तक चला सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ख़राब हो जाएगा, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसमें विनेगर है और विनेगर कभी भी अचार को ख़राब नहीं होने देता है। ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इसलिए अचार में आप कम ऑयल रखते हैं उसके बाद भी अचार की जो सेल्फ लाइफ है बढ़ जाती है। इसलिए आप उसको 6 मंथ से 1 ईयर तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अचार बनाना बहुत ही इजी है, आप बना सकते हैं अपने घर पर और उसको कभी भी खा सकते हैं। गाजर का खट्टा मीठा अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको बनने के लिए 10 से 15 दिन का समय लगता है और
ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप रोटी पराठे के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। बाय बाय।